अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे उरान फातिमा को मैंने सुबह सुबह ही शावर दिला दिया था, क्योंकि आज मंडे का दिन था तो इन्होंने स्कूल जाना था। तो कल ये लोग, इन्होंने कहा था कि हमने ऑयलिंग किया तो हम सुबह सुबह नहा लेंगे। तो बस अब ये सारे सुबह सुबह नहा के रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो उरान को सर्दी लग रही थी तो वो मुझे गले लगा के बैठी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा 2 मिनट बैठ जाओ। तो यहाँ पर बस फिर मैंने इनको कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए, तो ऑन सर बाकी सब बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन लिया था उरान, क्योंकि कलर कपड़ों में जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको लॉन का ना एक ड्रेस जो था वो पहना दिया था। उसके बाद मैं इसके बालों में कंघी कर रही थी तो मुझे बता रही थी कि मम्मा टीचर कहती हैं बालों पे ना टेल बना के आया करो, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो फिर मुझे गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर इसके बाल आगे से तो छोटे हैं, फिर मैंने 2 पोनियों की तरह एक छोटी सी पोनी बना के तो पीछे से फिर मैंने इसकी पोनी बना दी थी। तो इस तरह इसकी टेल जो थी वो मैंने बना दी थी। उसके बाद फिर मैं बारी बारी सारे बच्चों को रेडी कर रही थी। यहाँ पे हुरैन फातिमा जो है वो भी रेडी हो चुकी है। मीरब को मैंने कंघी करा दी थी, मैंने कहा आपके बाल खुश्क हो जाएं तो फिर मैं पोनी बना देती हूँ आपकी। और यहाँ पे और मोहम्मद रेडी हो गया था। बस यहाँ पर फरवा को जो थी मैं कंघी करवा रही थी, क्योंकि इनके माशाल्लाह घने घने से बाल हैं तो ये खुद जाहिर सी बात है बच्चे अपने बाल कहाँ कवर कर सकते हैं। तो फिर मैं इनकी खुद ही टेल वगैरह बना देती हूँ ताकि स्कूल में इनको गर्मी ना लगे, क्योंकि आजकल तो बहुत गर्मी मतलब हो रही है। तो बच्चे बेचारे जब आते हैं तो बहुत निढाल होते हैं गर्मी की वजह से। तो बस उसके बाद जो था यहाँ पे मैंने इनका लंच सॉरी नाश्ता जो था इनका ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा था कि आज हमने अंडा ब्रेड खाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने ना अंडे और ब्रेड वगैरह जो थे गर्म कर लिए थे और अंडे बना लिए थे बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो फिर मैंने अपना नाश्ता किया, आज जो था मैंने नाश्ता चाय पापे के साथ किया, मेरे हस्बैंड भी थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बिस्किट लेके आता हूँ, तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर ले आएँ, क्योंकि घर में तो पापे पड़े हुए थे, बिस्किट वगैरह नहीं थे, ख़त्म हो गया थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हमने ग्रॉसरी नहीं की। तो बस फिर वो लेने वाली थी कुछ चीज़ें, तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे और वो लेके आए थे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। वो बिस्किट का मतलब एक डब्बा पूरा लेके आए थे, उसके अलावा जो था अंडे ख़त्म होने वाले थे अंडे भी फिर ले आए थे, और साथ में एक जूस की बोतल भी लेके आए थे, क्योंकि वो रैन जब दोपहर में आती है ना तो उसको बहुत दिल होता है कि मुझे फीडर में डाल के दें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम घर के बना के दें आर्टिफिशियल फ्लेवर, जैसे ये है ये अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं फिर ये बाहर से ले के पीते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम ये नेस्ले का या कोई अच्छा सा मतलब ले के तो खुद ही घर रख लें, ताकि फिर खुद ही घर से दे दिया करें उसे। तो बस उसके बाद जो था फिर वही दिन भर की रूटीन शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें रखने वाली थी फ्रिज में रखने वाली थी वो मैंने फ्रिज में रखी, अंडे वगैरह और पापे बिस्किट वो जो जो मतलब संभाल के रखना था जगह जगह पे मैंने फिर वो सारी चीज़ें वहीं पे रखी। उसके बाद जो था फिर आज मैंने घर की थोड़ी सी डीप क्लिनिंग भी करनी थी, क्योंकि हर रोज़ शाम में ऐसा होता है आंधी आ जाती है, हर रोज़ जब जब गर्मी पड़ती है तो शाम में आंधी आ जाती है। तो बस फिर डेली सफाई करते हैं तो घर फिर वहीं का वहीं हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रिज में कुछ चीज़ें जूस वगैरह रख रही थी और अंडे वगैरह ना। तो उसके बाद जो था फिर आज हम मतलब मशीन भी लगाई हुई थी मेरी हेल्पर ने, तो मैंने उसे कहा था कि आज ये जो बेड शीट्स वगैरह हैं सारी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे मुझे ना मैली मैली सी लग रही थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने इस बेड की चादर जो थी वो भी उतार ली थी, बेड शीट जो थी, और सारे सिराने जो थे मतलब पिल्लो कवर वो भी उतरवा लिए थे, चेंज करवा लिए थे। और ये रूम वाले जो बेड है उसकी भी ये शीट मैंने चेंज करवा दी थी, मैंने कहा वो वाली उतार लो और ये वाली नेक्स्ट मतलब न्यू जो है ना वो ऊपर बिछा दें। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो थी बस वो ये बेड शीट चेंज कर रही थी, क्योंकि वो मैंने उतरवा के तो वॉश करने के लिए दे दी थी, मेरी हेल्पर जो आई हुई थी दूसरी जो है मतलब कपड़े वॉश करने वाली, तो बस फिर वो मैंने उसको दे दी। मैंने कहा ये सारी कपड़े जो है ना आप वॉश कर दें। उसके बाद फिर मेरा लास्ट वाला जो स्टोर रूम है फिर उसमें इतना मतलब मैस सा हुआ पड़ा था। हेल्पर्स भी बेशक करें लेकिन जब तक इंसान खुद साथ में शामिल ना हो तो हेल्पर भी नहीं कर सकती इतना ना। तो बस यहाँ पे फिर मैं खुद ही सफाई कर रही थी। यहाँ पे मैंने अलमारी का एक खाना जो था मतलब वो नीट किया, तो उसके अंदर जो था मैं जूतों के डब्बे रख रही थी क्योंकि बाहर ऐसे बिखरे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने सारे सेट करके रखे। बाकी जो थे मैं अपनी वॉशिंग मशीन मेरी ऑटोमेटिक जो मैं लेके आई थी तो वो अभी यूज़ नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने इसको भी कवर करके तो अंदर ही खड़ा कर दिया। मैं यहाँ पे आप दिखा सकती हूँ कि कितना मैस हुआ हुआ था रूम में। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जूते थे वो मैंने निकाल लिए थे और अपनी हेल्पर को कहा था कि अगर आपके यूज़ में आए तो ले जाना, अदरवाइज़ किसी गरीब को दे देना। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद जो था मैंने सारी मिल के हमने नीट एंड क्लीन किया। लास्ट रूम जो था ना स्टोर रूम बहुत गंदा हो रहा था, अगर साथ के साथ ना किया जाए तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। उसके बाद जो था यहाँ पे हुरैन फातिमा स्कूल से आ गई थी, क्योंकि 12 बजे मेरी बेटी को छुट्टी हो जाती है। और उसके बाद जो था फिर मैं घर के काम काज, यहाँ पर देखे मेरा किचन जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका था,
सारे मतलब ये बाहर की सफाइयाँ वगैरह हमने कर ली थी। उसके बाद ये जो कल मेरे हस्बैंड जो थे ग्वारफली लेके आए थे, तो ये मैंने बना ली थी, और इसको बना के तो बस फिर मैंने बॉईल करना था, तो यहाँ पे मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया था और इसमें जो थी वो ग्वारफली मैंने डाल दी थी बॉईल होने के लिए। इसको मैंने प्रेशर दे दिया था, और क्योंकि इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट में मैंने प्रेशर दिया था, तो फिर ये अच्छे से गल चुकी थी। क्योंकि आज मैं दोपहर में ना ग्वारफली का सालन बना रही थी, और ये बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि आजकल इन्हीं सब्जियों का मौसम है, तो डेली एक एक चीज़ खा के ना एक ही चीज़ तो बंदा मतलब तंग आ जाता है। तो बस यहाँ पर देखें, फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था कुकर में डाल के, तो जितनी देर में मैं बाकी काम कर रही थी, तो यहाँ पर ये कुकर को प्रेशर आ चुका था और इसका इतना बाहर पानी निकला, आप ढक्कन से देख सकते हैं कि कितना हुआ था। चूल्हा भी ख़राब हो गया था, फिर मैंने सारा साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद यहाँ पर जो ग्वारफली थी मैं उसको मतलब स्टेन कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने उसका जो था पानी वगैरह सारा निकाल लिया था, और उसको यहाँ पे टोकरी में डाल के ना बास्केट में डाल के, तो मैंने इसको अच्छे से जो था मतलब नचोड़ लिया था, इसमें से पानी सारा निकाल लिया था, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से ना गल चुकी थी। बस मैंने इसमें बार बार पानी लगा, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से धो लिया जाए तो ये मतलब बहुत अच्छी ज़बरदस्त बन जाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इस सबको ना मतलब वो करके ना निचोड़ के, तो एक बाउल में मैंने इसको डाल के तो रख लिया था, क्योंकि बस मैंने फिर अभी मसाला वगैरह बनाना था, प्याज कट करने थे, तो बाद में मैंने इसकी बुनाई करनी थी, क्योंकि मैं साथ साथ अपनी हेल्पर के साथ भी काम कर रही थी। फिर हुरैन फातिमा स्कूल से आ गई थी, तो मैंने उसको दोपहर में मतलब वो आके लाजमी फीडर पीती है, दूध पीती है, तो बस फिर मैंने उसको दूध वगैरह दिया। तो मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो बस सारे काम काज जो है साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया था, उसके बाद जो था फिर मतलब स्टेन कर लेने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितनी प्यारी सी ग्रीन ग्रीन सी इसकी लुक आ रही थी। और उसके बाद जो था फिर मैंने प्याज कट किए थे, क्योंकि मैंने इसकी बुनाई करनी थी, मैंने मसाला वगैरह इसके लिए बनाया था, तो बस प्याज कट किए जी। तो उसके बाद फिर मैंने सारा मसाला वगैरह बना लिया था, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा मसाला नहीं बनाना था, बस जस्ट प्याज कट किए थे, टमाटर और हरी मिर्ची थी, और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, और बस बाकी जो घर के मतलब मसाले हैं सादा से नमक हो गया, मिर्च और हल्दी वगैरह, सूखा धनिया ये वो डाल के ना, तो बस मैंने इसके अच्छे से भुनाई कर ली थी, और बहुत मज़े का सालन बना था। पहले तो बच्चे कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको ज़रा न्यू सब्ज़ी थी ना, तो वो शायद वो अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में फिर सब बच्चों ने बड़े शौक से खाया था। तो बस यहाँ पे पतीले में मैंने प्याज कट करके डाल दिए थे, और यहाँ पे फिर मैं ऑयल डाल दूँगी ताकि ये हल्के से ब्राउन हो जाए। तो बस बिल्कुल इनको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना इनमें। तो फिर मैंने इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, जिसे आम मसाला बनाया जाता है, तो बस इसका भी मैंने वैसे ही कुछ बना लिया था। तो मतलब ये है कि अब ऐसा कुछ मौसम है कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको मतलब बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त, क्योंकि नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल नहीं करता कि मतलब क्या चीज़ डेली डेली बनाई जाए ना, समझ ही नहीं आती। सुबह उठते हैं तो सोचना शुरू करते हैं कि आज क्या बनाएं क्या बनाएं, कुछ पता नहीं होता। फिर वही होता है कि हर दूसरे दिन बच्चे कहते हैं पुलाव बना लें, क्योंकि बच्चे चावल शौक से खाते हैं। फिर वही होता है कि मैं भी यही सोचती हूँ कि चलें बच्चों तो मतलब शौक़ से खाएंगे ना, तो बस उनके लिए फिर वही बना लिया जाता है, अदरवाइज समझ ही नहीं आती कि डेली ना मतलब खाने में क्या बनाया जाए। तो बस यहाँ पे बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले जो है ना मैं सारा खाना वगैरह जो है वो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर उनको होता है कि जल्दी से हमें खाने के लिए कुछ दे दें। तो बस यहाँ पर देखें बच्चे भी आ चुके थे, तो यहाँ पर मीरब जो है आ चुकी है, ऑन भी आ गया था किचन में वो ये देखने के लिए कि मम्मा आप क्या बना रही हैं। और इसके अलावा यहाँ मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, हुरैन फातिमा भी सो रही थी, और ये लोग अपने इन्होंने फिर फ्रेश हुए, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किए, तो इतने में मतलब मैं अपने सालन को रेडी कर रही थी। तो बस यहाँ पर देखे मैंने जल्दी जल्दी इसमें सारे स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दिए थे, और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई कर ली थी। तो यहाँ पर फिर मेरा ऑयल जो था वो ख़त्म हो गया था, मुझे लग रहा था कि इसमें ऑयल थोड़ा है सालन में ना, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है तो तभी अच्छी लगती है। तो बस मैंने फिर ये रीफिल कर ली थी बाल्टी जो थी, तो यहाँ पर जो है फिर मैंने काट के एक पैकेट इसमें ऑयल डाल दिया, और फिर थोड़ा सा मैंने सालन में भी और ऐड कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी मतलब शक्ल जो है लुक आ रही है मसाले की, बहुत ज़्यादा अच्छे से भून चुका था, और यहाँ पर जो था ना मतलब खुशबू उससे भी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, जैसे उसका मतलब दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा से मसाला इसका रेडी हो गया था। उसके बाद ये ग्वारफली जो थी मैंने फिर इसमें ऐड कर दी थी, शामिल कर दी थी, और बहुत अच्छे से इसकी जो थी मैंने
बुनाई कर ली थी और काफ़ी देर इसकी बुनाई की थी, क्योंकि जब तक मैं साथ में आटा बना रही थी तो मैंने कहा कि जब तक मैं आटा बनाती हूँ और मतलब दूध भी गर्म कर रही थी, तो मैंने कहा चलें उतनी देर में जो है ना इसकी मैं अच्छे से बुनाई कर लूँ। तो बस बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करके लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब हरा धनिया जो था वो मैंने वॉश करके तो बस इसमें डाल दिया था, और यहाँ पे तकरीबन दूध जो था वो भी मेरा बॉयल होने के करीब था। तो बस उसके बाद मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, और खाना खा के मतलब मैं अभी भी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बच्चे ट्यूशन चले गए, और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल लिए, मैं फ़्रेश हो रही थी क्योंकि मैंने आज जाना था जिम। तो यहाँ पे देखें मैंने अपने जोगर पहन लिए थे बस, और मैं जिम की तैयारी करके बैठी थी और फिर मैं जिम चली गई। वहाँ पे अलाउ नहीं था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके अलावा यहाँ पे फिर मैं वापस घर आई तो यहाँ पे मैं हमने कपड़े आज धोए थे मेरी हेल्पर ने, तो वो सारे उतारे और अंदर रखे हुए थे और इतने सारे लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपने रूम की सेटिंग दिखा रही थी कि कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह आज नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मैंने इसकी बेडशीट भी चेंज की थी, और यहाँ पर ये नीचे की जो भी शीटें थी ये भी सारी मैंने चेंज करवा के, तो बाकी वो दूसरी वाली वॉश करवा ली थी। तो बस उसके बाद जो था फिर मैं थोड़ी देर अभी बैठी थी तो मेरे गेस्ट आ गए, तो बस गेस्ट के लिए फिर मैंने यहाँ पे ये समोसे वगैरह मंगवाए, जलेबी वगैरह मंगवाई थी, उसके अलावा फालसे का शरबत मंगवाया था। तो बस फिर मेहमानों को मतलब ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने दी, और वो लोग बैठे रहे काफ़ी देर, हमने बातें की, बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। तो बस आप सबसे एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।